मेरा नाम प्रज्ञा है। मैं जो भी कपड़े खरीद कर लाती थी तो उन्हें मेरा पति फाड़ देता था और फिर मुझसे रिक्वेस्ट करता कि तुम यही कपड़े पहनकर मेरे पापा के साथ चली जाओ और कुछ देर बाद ही वापस आ जाना। मुझे नहीं पता होता था कि मेरे ससुर मुझे कहाँ लेकर जाते हैं। एक दिन मैं अपने पति की बात आसानी से मान गई और जाने के लिए तैयार हो गई, लेकिन जब मेरे ससुर मुझे अपने साथ लेकर जाते तो वो मेरी आंखों पे पट्टी बांध दिया करते थे और सख्ती से मुझे मना कर देते थे कि अपनी आंखों को खोलकर बिल्कुल भी मत देखना और ना ही इस पट्टी को हटाना। अगर तुमने ऐसा किया तो तुम्हारा पति तुम्हें तलाक देकर घर से निकाल देगा। मैं अपने पति से बहुत प्यार करती थी, इसीलिए अपने ससुर और पति के कहने को मैं मान लिया करती थी। अब हर दिन मेरे ससुर और मेरे पति मेरी आंखों पे कपड़ा बांध कर मुझे अपने साथ किसी अनजान जगह पे ले जाते थे, जहां पे मुझे कुछ अजीब सा शोर सुनाई देता था। एक दिन मैंने अपने पति से छुपकर अपनी आंखों पे बंधी पट्टी में छोटे छोटे छेद कर लिए और फिर उस पट्टी को बांध कर मैं अपने ससुर के साथ चली गई। लेकिन जैसे ही मैं उस जगह पे पहुंची तो मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई, क्योंकि वहां पे तो बहुत सारे आदमी। मेरी शादी नरेश के साथ 2 महीने पहले ही हुई थी। हम दोनों की जिंदगी बहुत अच्छी गुजर रही थी। नरेश से मेरी शादी मेरी मर्जी के मुताबिक ही हुई थी। हालांकि नरेश मुझसे शादी नहीं करना चाहता था। वो मुझसे शादी क्यों नहीं करना चाहता था ये तो मैं समझ नहीं पाई थी। नरेश मेरा क्लासमेट था। हम दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद करते थे। मैं जानती थी कि वो भी मुझे पसंद करता है, तो जाहिर सी बात है कि पसंद करने वाला इंसान शादी भी करना चाहेगा। लेकिन नरेश ने कभी मुझे शादी के लिए प्रपोज भी नहीं किया था। वो सिर्फ ये कहता था कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ और तुम्हें अपना एक अच्छा दोस्त मानता हूँ, जबकि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। मेरी समझ में नहीं आता था कि वो इस तरह की बातें क्यों करता है। मैं दिल ही दिल में उसको बहुत प्यार करने लगी थी। मेरे दिल में नरेश के लिए बहुत सारी फीलिंग जाग उठी थी। एक दिन जब मैं कॉलेज से घर आई तो मैंने देखा कि मुझे देखने के लिए लड़के वाले आए हुए थे। मुझे जब ये बात पता चली तो मेरे होश उड़ गए, क्योंकि मैं उस लड़के से शादी नहीं करना चाहती थी। मेरी मोहब्बत तो नरेश से ही जुड़ी हुई थी, इसीलिए मैं सिर्फ उसके साथ ही अपनी जिंदगी गुजारना चाहती थी। मैंने उन लोगों के जाते ही नरेश को कॉल की और उसे सब कुछ बता दिया। नरेश ने कहा कि तू इसमें परेशान होने वाली क्या बात है, तुम अपने पेरेंट्स के कहने के मुताबिक शादी कर लो, वो लोग तुम्हारा भला ही सोचेंगे। मैंने नरेश से कहा, मेरा भला और बुरा सब कुछ अब तुम्हारे ही साथ है। तुम्हें मुझसे शादी करनी है तो बताओ, और अगर नहीं करनी है तो मैं अपनी जीवन लीला खत्म कर लूंगी, क्योंकि मैं नरेश की दीवानी हो चुकी थी। नरेश मेरी इस बात से डर गया और उसने कहा कि तुम ऐसा वैसा कोई भी कदम नहीं उठाओगी। मैं आज ही घर जाकर इस बारे में अपने पापा से बात करता हूँ। मैंने नरेश से कहा कि तुम्हारे पास सिर्फ रात तक का ही टाइम है, क्योंकि मेरे मम्मी पापा को लड़के वाले को भी जवाब देना है, और वो लोग जवाब तभी दे पाएंगे जब मैं उनको जवाब दूंगी। इसीलिए तुम मुझे जल्द से जल्द जवाब दो कि तुम मुझसे शादी करना चाहते हो या नहीं, और सोच लेना कि मुझे जवाब सिर्फ हाँ में ही चाहिए। अगर तुमने मुझे इनकार किया तो फिर मेरी मौत के जिम्मेदार तुम ही होगे। मेरी बात सुनकर नरेश घबरा गया। उन्होंने कहा, तुम फिक्र मत करो, मैं रात को ही तुम्हें कॉल करता हूँ। मुझे अब रात होने का इंतजार था कि कब नरेश की कॉल आए और मुझे उसका जवाब मिले। मैं भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि नरेश का जवाब हाँ में ही हो। मुझे उसकी कॉल का इंतजार करते हुए रात के 12 बज गए, लेकिन अभी तक उसकी कॉल नहीं आई थी, जबकि नरेश का कहना था कि वो 11 बजे तक ही सो जाता है।
मुझे तो बहुत घबराहट हो रही थी। हार मानकर फिर मैं 1 बजे के टाइम पे खुद ही उसे कॉल की, क्योंकि मैं उससे बात करने के लिए बेचैन हो रही थी। मेरी पहली कॉल पे ही उसने मेरी कॉल रिसीव कर ली। मैंने उससे कहा कि तुम कहाँ हो, तुमने मुझे कॉल क्यों नहीं किया अभी तक, मैं कितनी देर से तुम्हारी कॉल का इंतजार कर रही हूँ। कॉल पे नरेश की आवाज बहुत ही घबराई हुई लग रही थी। उसने कहा कि मुझे माफ कर दो प्रज्ञा, मेरे पापा हम दोनों की शादी के लिए नहीं मान रहे हैं। मैंने कहा, लेकिन तुम्हारे पापा शादी के लिए क्यों नहीं मान रहे हैं, मुझ में क्या प्रॉब्लम है, मैं अच्छी खासी खूबसूरत हूँ। नरेश कहने लगा, बस ऐसे ही नहीं मान रहे हैं। मेरे दिमाग पर तो उस वक्त मोहब्बत का जुनून सवार था, इसीलिए मैंने गुस्से में आकर नरेश की कॉल काट दी और उसे कहा कि अब तुम देखो कि मैं क्या करती हूँ। मैंने नरेश की खातिर अपने हाथ की नस काट ली थी। अगले दिन जब मुझे होश आया तो मैं अस्पताल में थी। नरेश को कब और कैसे पता चला मेरे बारे में, ये मुझे कुछ भी नहीं पता था। जब मेरी आंख खुली और मैं होश में आई तो मैंने अपने सामने नरेश और उसके पापा को देखा था। मेरे घर वालों ने मुझे इस बात पे बहुत डांट लगाई थी कि एक बार मैं उसको ये सब कुछ बता देती तो शायद मुझे इस सब से नहीं गुजरना पड़ता। फिर नरेश के पापा मेरे घर रिश्ता लेकर आ गए थे और मैं अपने प्लान में कामयाब हो गई थी। खुशी खुशी दोनों परिवारों ने मिलकर मेरी शादी जैसे तैसे नरेश के साथ में कर दी थी। मेरी शादी को अभी 1 ही महीना गुजरा था कि मौसम ने करवट ले ली और अचानक इस कदर गर्मी पड़ने लगी कि सबने ही अपने गर्मियों वाले कपड़े निकाल लिए थे। मेरे ससुराल में मेरी 2 नंदे और ससुर थे। माता पिता गरीब लोग थे, उन्होंने मेरी शादी सिर्फ नॉर्मल तरीके से ही की थी और मुझे नॉर्मल ही सारा सामान दिया था। नरेश भी इसी तरह की फैमिली से बिलोंग करता था, उसकी भी सिर्फ मामूली सी ही सैलरी थी। हम दोनों की शादी से उसके पापा ने किस लिए इनकार किया था, इस बात का मुझे कभी पता नहीं चल सका था और ना ही मैंने दोबारा नरेश से इस बारे में पूछने की कोशिश की थी। मेरे पति का घर बस छोटा सा ही था और वो अपने घर में अकेला ही कमाने वाला था। उसके ऊपर अपने पिता और दोनों बहनों की जिम्मेदारी थी, अब तो उसके ऊपर मेरी भी जिम्मेदारी आ गई थी। मेरी बड़ी नंद का रिश्ता भी लगा हुआ था और उसकी इंगेजमेंट भी हो चुकी थी। अगले 1 साल बाद उसकी शादी है, इसीलिए उसका बिहेवियर मेरे साथ नॉर्मल नंदों के जैसा नहीं था। वो मेरे साथ बहुत अच्छे से रहती थी और मेरी बहुत इज्जत करने वाली लड़की थी। मेरी उससे बहुत अच्छी दोस्ती हो गई थी, मगर मैं नरेश की जगह तो उसे नहीं दे सकती थी ना, क्योंकि मेरे पति ने मुझे शॉपिंग करने के लिए थोड़े से पैसे दिए थे और कहा था कि तुम मेरी बहन के साथ चली जाना। लेकिन मैं नरेश से जिद करने लगी कि तुम ही मुझे मार्केट लेकर चलो, मुझे तुम्हारे साथ ही शॉपिंग पे जाना है। वो मेरी बात पे हंसने लगे और बोले कि तुम बात को समझने की कोशिश करो, मुझे लड़कियों के कपड़े के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता है, तुमने अगर मुझसे वहां पे एडवाइस मांग ली तो फिर मैं क्या करूंगा। तुम प्रिया को अपने साथ ले जाओ, उसकी चॉइस बहुत अच्छी है, वैसे भी उसके साथ तुम्हारी अच्छी दोस्ती हो गई है। बात तो नरेश की भी बिल्कुल ठीक थी, इसीलिए फिर मैं उनकी बात मान गई, लेकिन उनसे प्रॉमिस लेना नहीं भूली कि वो मुझे रात का डिनर बाहर ही करवाएंगे। मेरे इस बात पे नरेश राजी हो गए थे, लेकिन उनके चेहरे पे मुझे कुछ परेशानियां नजर आ रही थी। मैंने उनकी परेशानी की वजह नहीं पूछी थी क्योंकि मुझे मार्केट जाना था, इसीलिए मैंने अपनी नंद प्रिया को साथ लिया और मैं उसके साथ मार्केट शॉपिंग करने के लिए चली गई थी।
मेरे पति ने मुझे दो सूट लाने के लिए पैसे दिए थे। मैंने दो ही सूट ले लिए थे। मैंने अपनी नंद को खुश करने के लिए उसे इयररिंग्स दिलवा दिए थे। वो भी इन इयररिंग्स को लेकर बहुत खुश हो गई थी, क्योंकि मेरे पास इतने पैसे नहीं बचे थे कि मैं अपनी नंद को भी कपड़े दिलवा सकती। वो मुझसे इम्प्रेस हुई थी। वो कहने लगी, भाभी आप तो दुनिया के बेस्ट भाभी हो। मैं उसकी बात सुनकर खुश हो गई थी। मैं चाहती थी कि मैं अपने ससुराल में जल्दी ही अपनी जगह बना लूं। मेरा पति पढ़ा लिखा और बहुत ही स्मार्ट था। उसकी इसी स्मार्टनेस पे ही तो मैं फिदा हो गई थी। उसकी आदत थी, बहुत अच्छी थी। वो मुझसे बहुत प्यार करता था। मैं चाहती थी कि मैं नरेश से इतना प्यार करूं कि उसे मेरे बिना रहने की आदत ही ना हो। जब मैं घर आई और खुशी खुशी मैंने अपने कपड़े अपने पति को दिखाए, तो उन्हें वो बहुत पसंद आए थे। अपने पति को देखकर मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी सारी मेहनत वसूल हो गई है। मेरे पति कमरे में आ गए थे। मैं भी उनके पीछे पीछे ही कमरे में आ गई। फिर मैंने उन कपड़ों में से एक सूट निकालकर पहन लिया और मैं अच्छे से तैयार हो गई। मैंने अपने पति से कहा कि चलो चलते हैं। मेरा पति मुझे देखकर हैरान हो गया और कहने लगा कि कहाँ चलना है। मैंने कहा, क्या आप अपना वादा भूल गए हो? हम दोनों को रात का डिनर घर के बाहर ही तो करना था। आपने मुझसे वादा किया था ना? मेरे पति ने कहा, अरे अच्छा, मुझे याद ही नहीं आया। चलो ठीक है, आधे घंटे में चलते हैं। मैं अभी बाहर से होकर आता हूँ। मेरे पति ना जाने आधे घंटे का कहकर कहाँ चले गए थे। मैं उनका काफी देर तक इंतजार करती रही। वो आधा घंटा नहीं बल्कि पूरे 2.5 घंटे के बाद घर आए थे। अभी ज्यादा टाइम नहीं हुआ था, रात के 9 बजे ही थे। उसके बाद हम दोनों ने मिलकर एक अच्छे से रेस्टोरेंट में खाना खाने चले गए। वहां पे हमने खाना खाने के बाद आइसक्रीम भी खाई और खूब एंजॉय किया। मेरा पति गरीब जरूर था, लेकिन मेरी हर ख्वाहिश को पूरा करता था। रात को 12 बजने से पहले हम लोग घर आ गए थे। मैंने अपने नए कपड़े उतार दिए और उसके बाद मैंने पुराने कपड़े पहन लिए। लेकिन अगले दिन जब मैं अपने नए कपड़े बाथरूम में लेने के लिए गई, तो ये देखकर मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई थी कि मेरे जितने भी नए कपड़े जो मैं कल लेकर आई थी, वो कैंची से कटे हुए थे। उसमें जगह जगह कट के निशान लगे थे। मेरी तो उन कपड़ों को देखकर आंखें फटी की फटी रह गई। फिर मैंने अपने दूसरा वाला सूट देखा, तो वो भी इसी तरह से कटा था। मैंने अपने पति से कहा कि अगर आपको मेरे कपड़े पसंद नहीं आए थे, आप मुझे बता सकते थे, मैं कपड़े चेंज कर लाती। लेकिन आपको कपड़े की इस तरह की हालत करने की जरूरत क्या थी? मैं तो यही समझ रही थी कि नरेश को मेरे कपड़े पसंद नहीं आए थे, तभी तो उन्होंने कपड़ों के साथ ये सलूक किया है। अलमारी में मेरे बाकी के कपड़े भी पड़े हुए थे। वो सारे भी कहीं ना कहीं से कटे हुए थे। अब मेरे पास पहनने के लिए सिर्फ वही सूट था जो मैंने पहना हुआ था। सारे ही कपड़े कहीं ना कहीं से कटे थे। मुझे अपने पति का ये सब कुछ करना बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। तो मैं अपना सर पकड़ कर बैठ गई और रोने लगी थी कि अब मैं क्या करूं, मेरे पास तो पहनने के लिए कपड़े ही नहीं बचे। मेरे पति खामोश खड़े हुए थे। वो तो कुछ कह ही नहीं रहे थे। मैं फौरन अपने ससुर के कमरे में चली गई और उनको अपने कपड़े दिखाने लगी। मेरे ससुर ने कहा कि तुम्हारे कपड़ों की ये हालत मैंने ही की है। मैं अपने ससुर की ये बात सुनकर चौंक गई। उन्होंने कहा कि रात को यही वाले कपड़े पहनकर तैयार हो जाना, हमें एक जगह पे जाना है। मेरी ये बात समझ नहीं आ रही थी। मैंने कहा कि मैं ये कपड़े पहनकर कहाँ जाऊंगी? ये कपड़े तो पहनने के लायक ही नहीं है, और आपने मेरे कपड़ों की ये हालत क्यों की है? आपको पता है कि इनमें से कोई भी कपड़ा अब पहनने के लिए नहीं बचा है।
मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि मेरे ससुर मेरे कपड़ों को आखिर ऐसे हाथ कैसे लगा सकते थे। मैं तो उनकी बहू थी ना, पर फिर भी उन्होंने ये सब कुछ किया। मेरे ससुर मुझसे कहने लगे कि मैं अभी थोड़ा बिजी हूँ और इस बारे में मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। मैं रोती हुई अपने कमरे में आ गई। जैसे ही मैं कमरे में आई तो मेरा पति कमरे में मौजूद ही नहीं था, वो भी घर से बाहर चला गया था। मेरी तो कुछ भी समझ में आ ही नहीं रहा था कि इस घर में आखिर हो क्या रहा है। मैं सारा दिन अपने कपड़ों की वजह से परेशान रही और रोती रही। मैंने टेंशन की वजह से खाना भी नहीं खाया और ना ही मेरे पति ने दोपहर का खाना खाया था। वो तो घर से जब गए थे तो घर के अंदर दोबारा आए ही नहीं। इसी तरह शाम का टाइम था। मेरे ससुर जल्दी से मेरे कमरे में आए और बोले, ये कपड़े पहन लो, उठो जल्दी करो, हमें कहीं जाना है। मैंने तुम्हें सुबह बताया था ना, मैंने अपने ससुर से कहा कि ये आप मुझसे किस तरह का मजाक कर रहे हैं, ये कटे फटे कपड़े पहनकर मैं कहाँ जाऊंगी, मैं इस तरह के कपड़े नहीं पहन सकती। उन्होंने जल्दी से कटा फटा सूट निकालकर मेरे हाथ पर रखा और कहने लगे, जल्दी से कपड़े पहनो, जैसा मैं कह रहा हूँ वही करो। मैं अपने ससुर के चेहरे को देखती रह गई थी। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा था कि वो मुझसे ऐसे कैसे बात कर रहे थे। मैं बड़ी हैरानी और अफसोस के साथ अपने ससुर से कहने लगी, पापा जी मैं ये कपड़े कैसे पहनूंगी। मेरी इस बात पे वो एकदम ही गुस्से में आ गया और कहने लगे, तुम्हें मेरी बात एक बार में समझ में नहीं आती, ये सब मैं नहीं जानता, बस तुमसे जैसा कह रहा हूँ वैसा ही करो, मैं तुम्हारा बाहर इंतजार कर रहा हूँ। तुम्हारे पास सिर्फ 5 मिनट है, इन कपड़ों को पहनकर जल्दी से तैयार हो जाओ और बाहर आओ, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अपने ससुर का गुस्सा देखकर मैं मजबूर हो गई और उन कपड़ों को बाथरूम में पहनने के लिए चली गई। मैं बुरी तरह से रोने लग गई थी कि मेरे साथ ये सब कुछ क्या हो रहा है। शादी के 1 महीने के बाद ही मुझसे मेरी खुशियां छीन ली गई थी। मैं अपने ससुर के डर से जल्दी से वो कपड़े पहनकर बाहर आ गई थी। जब मैं बाहर आई तो ये देखकर हैरान थी कि मेरा पति भी वहां खड़ा था। मैंने अपने पति को रोती हुई नजरों से देखा और उनसे शिकायत करने जैसा चेहरा बना लिया। वो मेरी बात को समझ गए थे, उन्होंने कुछ भी नहीं कहा और खामोश खड़े रहे। मुझे देखकर मेरे ससुर मुस्कुराने लगे जबकि मैं रोती चली जा रही थी। मेरे ससुर ने मेरे पति से कहा, नरेश जाओ पट्टी लेकर आओ। मेरे समझ में नहीं आ रहा था कि वो किस पट्टी की बात कर रहे हैं। पहले तो मेरे पति ने उन्हें सिर हिलाकर इनकार किया, लेकिन फिर जब मेरे ससुर ने उन्हें गुस्से से घूर कर देखा तो वो काले रंग की एक पट्टी लेकर आ गए। मेरे ससुर ने मुझे देखकर कहा, ऐसे नहीं रोते बेटा, ये आंसू पोंछ लो और अपने चेहरे पे मुस्कुराहट लेकर आओ। मैंने खुद को बड़ी मुश्किल से संभाला था। मैं मुस्कुराने लगी तो मेरे ससुर ने मेरे सर पे हाथ रखकर मुझसे कहा, आओ मेरे साथ चलो। फिर बाहर आंगन में जाते ही मेरे ससुर ने मेरे पति से कहा कि ये पट्टी वो मेरी आंखों पे बांधे। मैंने तुरंत ही कहा कि ये आप काले रंग की पट्टी मेरी आंखों पे क्यों बंधवा रहे हो। मेरे ससुर ने मेरी बात का कोई जवाब नहीं दिया। फिर मेरे ससुर मुझसे बोले, बहू तुम्हें ये पट्टी हरगिज नहीं खोलनी है, अगर तुमने पट्टी खोलने की कोशिश की तो फिर तुम्हारा पति तुम्हें तलाक देकर घर से बाहर निकाल देगा। अपने ससुर के मुंह से ये बात सुनकर मैं हैरान रह गई थी और फिर इस काम को मैं मजबूरी में करने लगी गई थी, क्योंकि मैंने अपने पति को पाने के लिए ना जाने कितनी परेशानियां झेली थी। मेरे ससुर जो कि हमारी शादी के लिए मान ही नहीं रहे थे, तो इसीलिए अब मुझे अपने ससुर का हर कहना
मानना पड़ रहा था। मेरा दिल बुरी तरह से मजबूर होकर रह गया था। मुझे कुछ भी तो अच्छा नहीं लग रहा था। फिर ये कपड़े हर तरह से कटे फटे थे, कई जगह पे तो छेद हो रहे थे। मैं ऐसे कपड़ों में कैसे घर से बाहर निकल सकती थी? लेकिन अपने ससुर का हुक्म मानना मेरी बहुत बड़ी मजबूरी बन गई थी। मैंने भगवान का नाम लिया और जाने के लिए तैयार हो गई। मेरे ससुर मुझे पैदल ही कहीं लेकर जा रहे थे। वो ठीक मेरे पीछे ही चल रहे थे और मेरे पति मेरा हाथ पकड़े हुए थे, क्योंकि मेरी आंखों पे तो पट्टियां बंधी थी। मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। हम लोग काफी दूर तक चलकर आ गए थे। थोड़ी देर बाद मुझे कुछ एहसास सा होने लगा, जैसे मेरे आसपास बहुत सारे लोग हैं। मैं महसूस कर सकती थी कि मैं किसी भीड़ वाली जगह पे खड़ी हूँ। थोड़ी देर के बाद मेरे ससुर मुझे बैठने के लिए कहा और उसके बाद मैं एक जगह पे बैठ गई, क्योंकि पैदल चलते चलते मेरी हालत खराब हो गई थी। ना जाने मेरे ससुर मुझे किस नरक में लेकर आ गए थे। उसके आधा घंटे बाद मेरे ससुर ने मुझे फिर से पैदल चलने के लिए कहा और फिर हम दूसरी जगह पे आ गए। इस जगह पे भी चारों तरफ मेरे कानों में शोर ही शोर पड़ रहा था। इस वाली जगह पे तो इतना शोर था कि चारों तरफ से मुझे गाड़ियों की आवाजें आ रही थी और मैंने अपने कानों पे हाथ रख लिए थे। मेरे ससुर ने मुझसे कहा कि तुम्हें बोलना नहीं है, इसीलिए उसके कहे के मुताबिक मैंने अपनी आवाज को बंद ही रखा था। यहाँ पर भी मेरे ससुर ने मुझे जमीन पे बैठने के लिए कहा तो मैं बैठ गई थी। मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि मेरे ससुर ने मुझे ऐसी भीड़ वाली जगह पे क्यों बैठा दिया है। बीच बीच में मुझे ट्रैफिक की भी आवाजें आ रही थी, जिससे मैंने अंदाजा लगा लिया था कि आस पास से गाड़ियां गुजर रही हैं। गाड़ियां तो सड़क या गलियों में होती हैं। इसका मतलब मेरे ससुर मुझे कहीं खुली जगह पे लेकर आ गए थे। मुझे पक्का यकीन था कि मेरे साथ जो भी हो रहा है अच्छा नहीं हो रहा है, मगर मैं क्या करती, मैं मजबूर हो गई थी। हम वहां पे एक दो घंटा गुजार कर वापस चलने लगे थे। मैंने आवाजों को पहचानने की कोशिश की थी ताकि मुझे पता चल सके कि मैं किस जगह पे आई हूँ, मगर मैं नाकाम रही थी। लेकिन ये तो पक्का था कि ये कोई रास्ता था। मैं जब घर पहुंची तो मेरे ससुर ने मेरी आंखों से पट्टी हटवा दी थी और फिर मुझे कमरे में जाने के लिए कह दिया। मैं जैसे ही अपने कमरे में आई तो मैंने देखा कि मेरा पति अपना सिर झुकाए हुए मेरे पीछे ही चलते आ रहे थे। मैं बहुत ज्यादा थकी थी, इसीलिए बेड पे जाकर चुपचाप लेट गई। मैंने अपने पति से कोई बात नहीं की थी क्योंकि मैं उससे बहुत ज्यादा नाराज थी। उसने मेरे देखते ही देखते मेरी टांगे दबाना शुरू कर दी। मैं उसके ऐसे बिहेवियर से बहुत परेशान हो चुकी थी। मैंने अपने पति को पैर दबाने से मना किया क्योंकि मेरे पैरों में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था। पैर दबाने से मुझे कुछ सुकून मिल रहा था। मेरे पति ने देखा कि मैं उनसे बात नहीं कर रही हूँ तो वो कहने लगे, प्रज्ञा, आज जो कुछ भी हुआ है उसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। कल मैं तुम्हें शॉपिंग पे ले चलूंगा, तुम अपनी मर्जी के मुताबिक कपड़े खरीद लेना। मैं पैर जल्दी से पीछे किए और कहने लगी, ताकि आपके पापा फिर से मेरे कपड़ों को काट दें। मेरी बात पे मेरे पति ने अपना सिर झुका लिया और कहने लगे, प्रज्ञा, तुम आराम करो, तुम्हें आराम की बहुत जरूरत है। लाओ अपने पैर इधर करो, मैं दबा देता हूँ। मैंने कहा, मुझे तुम्हारी तसल्ली की कोई जरूरत नहीं है। मैं इस टाइम अपने पति से कोई बात नहीं करना चाहती थी, ना ही उसका चेहरा देखना चाहती थी, क्योंकि मुझे सबसे ज्यादा गुस्सा तो नरेश पर ही आ रहा था। उसके पापा कुछ भी कर रहे थे वो कुछ भी नहीं बोला और खामोशी से उनका कहना मानता रहा। इसीलिए मैंने अपनी आंखें बंद कर ली और मैं सो गई। मैं बहुत ज्यादा थकी थी, इसीलिए जल्दी ही मुझे नींद आ गई थी। 1 घंटे के बाद ही
मेरी नींद खुल गई क्योंकि मैंने खाना नहीं खाया था। मुझे भूख लग रही थी। इन लोगों ने मेरी नींद और चैन तो छीन लिया था, लेकिन मुझे क्या पता था कि अभी तो ये बस शुरुआत है। आगे तो अभी और बहुत मुश्किल वक्त आना है। अगले दिन नरेश ने अपने ऑफिस की छुट्टी कर ली और वो जबरदस्ती मुझे मार्केट लेकर चला गया। मैं वहां पे एक जगह आराम से बैठी रही थी। मैंने किसी भी तरह का कोई रिएक्ट नहीं किया। मेरे पति ने खुद ही अपनी पसंद के मुझे दो सूट दिलवा दिए थे। मैं शॉपिंग करके घर आ गई। मेरा पति घर से बाहर चला गया। उन्होंने मुझे कहा कि तुम आराम करो, मैं अपने एक दोस्त से मिलकर आता हूँ। मेरे ससुर ने मुझे अपने कमरे में बुला लिया और उन्होंने मुझसे बड़े प्यार से पूछा कि कहाँ गई थी तुम अपने पति के साथ। तो मैंने उन्हें बताया कि मैं नरेश के साथ शॉपिंग करने के लिए गई थी। थोड़ी देर बातचीत करने के बाद उन्होंने मुझे बताया कि बहू, तुम्हें पता है नरेश के तो बहुत ही बड़े बड़े घरों से रिश्ते आ रहे थे, लेकिन उसने तुम्हारी खातिर सिर्फ तुमसे ही शादी की। मेरे बेटे के पीछे तो बहुत सारी लड़कियां पागल थी क्योंकि वो देखने में ही इतना स्मार्ट और सुशील है, मगर मेरे बेटे ने तो तुमसे शादी करने के लिए जिद ही ठान ली थी। तुमने खुद को खत्म करने का डर दिखाया तो मेरा बेटा भी डर गया। इसीलिए मुझे अपने बेटे की मर्जी की खातिर अपना सर झुकाना पड़ेगा। लेकिन तुम छोटे से हादसे का बहाना बनाकर अपने ये हसीन दिन खराब मत करो। अपने पति के साथ हंसी खुशी जिंदगी गुजारो। मैं देख रहा हूँ तुम्हारा मूड अपने पति की वजह से बिल्कुल भी ठीक नहीं है। वो तुमसे बहुत प्यार करता है और देखो, तुम्हारा गुस्सा ठीक करने के लिए ही तो वो तुम्हें शॉपिंग पे लेकर गया। मुझे अपने ससुर की बात ठीक लगी। मैंने सोचा कि चलो, जो हुआ सो हुआ, मुझे अपने पति के साथ अपना बिहेवियर अच्छा रखना चाहिए। मुझे नरेश को ज्यादा परेशान नहीं करना चाहिए। ये ना हो कि वो मुझसे नाराज होकर कहीं और दिल लगा बैठे। उस बेचारे ने भी तो मुझसे शादी करने के लिए काफी सारे सेक्रीफाइसेस किए हैं। मैं अपने ससुर की बात सुनकर अपने कमरे में आ गई और अपने पति के आने का इंतजार करने लगी। थोड़ी ही देर के बाद मेरे पति भी आ गए। मैं उनके सामने काफी शर्मिंदा हो रही थी। मैंने उन्हें कहा, नरेश, मैं शर्मिंदा हूँ अपनी गलती पे। मैं भी अपना दिल साफ करने की कोशिश कर रही हूँ, मगर तुम्हें भी मुझे एक वादा करना होगा। मेरी बात सुनकर नरेश खुश हो गए थे। वो कहने लगे, हाँ हाँ बताओ, तुम हुक्म करो। मैंने नरेश से कहा कि जैसा तुम्हारा पापा ने मेरे साथ किया है, ऐसा अब कभी नहीं होना चाहिए। ये तुम्हें मुझसे वादा करना होगा, आइंदा ऐसा कभी नहीं होगा। नरेश ने सिर हिला दिया और बोले, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि ऐसा कुछ भी ना हो जिसकी वजह से तुम्हें परेशान होना पड़े। अचानक ही उन्होंने मेरी आंखों में देखा और कहा कि प्रज्ञा, तुम्हें पता है क्या, मेरे पापा थोड़े जिद्दी और गुस्सैल है। मुझे उनकी बातों के आगे हार माननी पड़ जाती है, लेकिन वो दिल के बुरे नहीं हैं, वो दिल के बहुत अच्छे हैं। तभी तो उन्होंने मेरी खुशी के लिए तुम्हारे साथ मेरी शादी करवा दी थी। हालांकि हमारी शादी के लिए वे राजी नहीं हो रहे थे, पर सिर्फ अपने बेटे की खुशी के लिए वे तैयार हो गए थे। नरेश कहने लगे, मैं तुम्हें हर खुशी देने की कोशिश करूंगा। अपने पति की बात सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई थी। मैं अपने पति की कही हुई बातें सोच सोच कर खुश हो रही थी, लेकिन उन्होंने अपने पापा की जो बात मुझे बताई थी वो मेरी समझ में नहीं आई थी कि उनका इशारा अपने पापा के किस बात पे जा रहा था। फिलहाल मैंने ये सब कुछ वक्त पे छोड़ दिया था। मैं जानती थी कि वक्त के साथ साथ मुझे सब कुछ पता चल जाएगा। अपने पति के साथ काफी अच्छा टाइम स्पेंड करने के बाद मैं शाम के टाइम पे अब अपनी दोनों नंदों के कमरों में
जाकर बैठ गई और उनके साथ मैं इधर उधर की बातें करने में बिजी हो गई थी। फिर मैं वापस अपने कमरे में लौट कर आई तो मैंने देखा कि मेरे नए कपड़े जो मैं कल लाई थी वो फिर से कटे हुए थे। इस बार तो मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आया। मैं तो समझ रही थी कि अब ये सब कुछ ठीक हो गया है, मगर ये सिर्फ मेरा ख्याल था। शाम का टाइम हो रहा था, फिर से मेरे ससुर मेरे कमरे में आए और उसने कहा कि इनमें से जल्दी से एक सूट पहन लो, तैयार हो जाओ, हमें चलना है। मेरी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि मेरे ससुर ऐसा क्यों कह रहे हैं। मैं उनके कहने के मुताबिक उनसे कोई सवाल नहीं किया और खामोशी से उन कपड़ों को पहन लिया। मेरे ससुर मुस्कुरा दिए, फिर उन्होंने मेरी आंखों पे वो काले रंग की पट्टी बांधी, मुझे खुद बांधने को कहा और मुझसे बोले कि जिस दिन भी तुमने इस पट्टी को खोलने की कोशिश की, मैं तुम्हें अपने बेटे से तलाक दिलवा दूंगा। तुम जानती हो ना कि मेरा बेटा मेरा कितना कहना मानता है। मैं अपने ससुर की ये बात सुनकर सॉफ्ट रह गई थी, इसीलिए मैं खामोश ही रही। मेरे ससुर मुझे वो पट्टी बांधने का कहकर कमरे में चले गए और मुझसे बोलकर गए कि बाहर आकर तुम्हें मेरे साथ चलना है। मेरे पति उस टाइम पे घर पे मौजूद नहीं थे। मेरे ससुर मुझे अपने आगे आगे चलने को कहा और वो मुझे रास्ता बता रहे थे और इधर मेरी नंद को आवाज लगाकर कहा कि वो दरवाजा बंद कर ले। मैं खामोशी रही थी क्योंकि मैं जानती थी कि मेरे कुछ भी कहने का अब कोई फायदा नहीं होने वाला। हम दोनों ससुर बहू आज फिर से पैदल चल रहे थे, कल भी पैदल ही चल रहे थे, इसीलिए आज मेरे पैरों में अभी से ही दर्द होना शुरू हो गया था। मैं अपने ससुर के बताने के मुताबिक धीरे धीरे चल रही थी और अपने बहते हुए आंसुओं को साफ कर रही थी। अब मुझे एहसास होने लगा कि मैंने नरेश से शादी करके बहुत बड़ी गलती की है। हालांकि मेरे पेरेंट्स मेरे शादी कहीं और करवा रहे थे, अब जबकि ये शादी मैंने अपनी जिद और अपनी मर्जी के मुताबिक की थी, इसीलिए मुझे शादी को जैसे तैसे निभाना ही था। मुझे अपनी मम्मी की कही हुई वो बात याद आ गई जिस पर उन्होंने मेरी शादी के टाइम पे कहा था कि प्रज्ञा तुम इस लड़के से शादी तो कर रही हो और ये शादी हम तुम्हारी जिद की वजह से करवा रहे हैं, वरना जो रिश्ता हमने तुम्हारा ठुकराया है वो लड़का बहुत ही अमीर और अच्छी फैमिली से बिलोंग करता है, तुम वहां पे बहुत खुश रहती, लेकिन यहाँ शादी करने की तुम्हारी अपनी मर्जी है, इसीलिए तुम्हें अपनी लव मैरिज को बसा कर ही रखना चाहिए, क्योंकि ज्यादा लव मैरिज सक्सेसफुल नहीं होती। अपनी मम्मी की बात पे मैंने उनको जवाब दिया था कि नरेश मुझे बहुत प्यार करता है और मैं आपसे इस बात की शर्त लगा सकती हूँ कि मेरी शादी के बाद मेरी जिंदगी अरेंज मैरिज कपल से भी ज्यादा अच्छी गुजरेगी। मेरे पेरेंट्स जब मेरी और नरेश की शादी के लिए मेरे खुद को खत्म करने वाले तरीके से मान गए तो और नरेश के पापा भी मान गए, तब मुझे लगा कि बैठे बिठाए मेरे भाग्य खुल गए हैं। लेकिन मुझे क्या पता था कि मेरे भाग्य खुलेंगे नहीं, बल्कि मेरी आने वाली जिंदगी इस तरह से खराब हो जाएगी। मुझे पछतावा होने लगा था कि मुझे अपने पेरेंट्स के कहने पे जहाँ वो मेरी शादी कर रहे थे वहीं पे कर लेनी चाहिए थी, लेकिन मेरे भाग्य में शायद यही सब होना लिखा हुआ था। फिर हम कल की तरह इस जगह पे पहुंच चुके थे जहाँ पे शोर ही शोर था और सब गाड़ियों की आवाजें आ रही थी। 2-3 घंटे इसी तरह से हमने इधर उधर टहलते हुए कहीं और पे
मेरे ससुर मुझे कहते बैठ जाओ, कहीं पे कहते कि उठकर खड़ी हो जाओ, कहीं कहते कि बोलना बिल्कुल भी मत, बस खामोशी से जैसा मैं कहता हूँ वैसा ही करती रहो। 2-3 घंटे इसी तरह से गुजर जाने के बाद फिर हम अपने घर वापस आ गए थे। मेरे पति मेरे पैर दबाने लगे, मगर मुझे सुकून नहीं मिल रहा था। नरेश शर्मिंदा होकर मुझसे बातचीत करने की कोशिश कर रहे थे। मैंने सोचा ना जाने ये कब तक मेरे साथ होता रहेगा। मैंने अपने पति से भी पूछा था कि तुम्हारे पापा मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं, लेकिन वो तो हर बात पे खामोश ही रहते थे। इसीलिए मैंने सोच लिया था कि मुझे अब सच्चाई का पता खुद ही लगाना होगा। सारी रात मैं प्लानिंग करती रही। सुबह फिर से मेरे पति ने मुझसे कहा कि मैं तुम्हें शॉपिंग पे लेकर चलता हूँ। मैंने आज शॉपिंग करने के लिए अपने पति से इनकार कर दिया था। मैं अपने ससुर से कहने लगी, पापा जी शाम को किस टाइम पे मुझे आपके साथ जाना है। मेरे ससुर आज मेरी इस बात पर मुस्कुराने लगे और कहने लगे, शाम के 5 बजे तुम बिल्कुल तैयार रहना। मैं उनकी बात सुनकर खामोश हो गई। नरेश से बातचीत करना मैंने बिल्कुल बंद कर दिया था, क्योंकि वो मुझे कुछ बताता ही नहीं था। और तो और घर में दो दो नंदे थे, उन्हें भी किसी बात की कोई खबर नहीं थी, क्योंकि मेरे ससुर अपनी बेटियों पे बहुत ज्यादा रौब दिखाते थे और अपनी बेटियों को कमरे से ज्यादा बाहर नहीं निकलने देते थे। मैं अपने कमरे में चली गई। दोपहर के टाइम पर जब मेरे पति घर आए तो उन्होंने मुझसे कहा कि चलो अभी तुम्हारे पास टाइम है, मैं तुम्हें शॉपिंग कराने लेकर चलता हूँ। लेकिन मैं तो उनसे बात कर ही नहीं रही थी, इसीलिए मैंने उनसे कह दिया कि आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे कहीं नहीं जाना। धीरे धीरे शाम के 5 बज गए और मैंने अपने उन्हीं फटे हुए कपड़ों में से एक सूट निकालकर पहन लिया। मैं तैयार होकर अपने कमरे से बाहर ही निकल रही थी कि मुझे अपने पति के बोलने की आवाज आई। वो अपने पापा से कह रहे थे कि पापा प्लीज आप प्रज्ञा के साथ ये सब कुछ मत करो, प्रज्ञा को आज अपने साथ लेकर मत जाओ, उसकी तबीयत ठीक नहीं है। मेरे ससुर ने रोज के मुताबिक मुझे मेरी आंखों पे पट्टी बांधने को कहा। तभी अचानक मैंने अपने ससुर से कहा कि रुकिए ससुर जी, इन चप्पलों से मेरे पैर में बहुत दर्द होता है, मैं दूसरी चप्पल पहनकर जाती हूँ। मेरे ससुर ने कहा अच्छा ठीक है, लेकिन जल्दी आ जाना। मैं इस बंधी हुई पट्टी को अपने हाथ से खोलकर हाथ में पकड़कर अपने कमरे में आ गई थी। मैंने जल्दी से एक बड़ी सी सुई निकाली और पट्टी के अंदर इस तरह से छेद कर दिए ताकि कोई भी छेद किसी को दिख न सके। मुझे सिर्फ यही फिक्र हो रही थी कि अगर ये सुराग मेरे ससुर ने देख लिया तो मेरे ससुर मुझे मेरे पति से तलाक दिलवाकर घर से निकलवा देंगे। मैंने जल्दी से अपना काम फिनिश किया। उसके बाद मैं दूसरी चप्पल पहनकर बाहर आ गई और अपने ससुर के सामने ही अपनी आंखों पे मैंने उस पट्टी को बांध लिया। उसके बाद हम फिर से पैदल चलने लगे। मैं वही फटे हुए कपड़े पहने हुई थी जो मैं हर रोज पहनकर अपने ससुर के साथ जा रही थी। हम चलते ही जा रहे थे, मेरे ससुर भी खामोशी से मेरे पीछे चल रहे थे। इसी तरह चलते चलते मेरी नजर सड़क के कोने पे गई जहाँ पे मेरे ससुर ने मुझे बैठा दिया। लेकिन वहां बैठने के बाद मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ जिसे देखकर मेरे होश उड़ गए। मेरे ससुर के हाथ में एक बड़ा सा बोर्ड था और बोर्ड पे क्या लिखा हुआ था ये तो मुझे समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि वो बोर्ड उन्होंने मेरे आगे रखा हुआ था और तो और एक कटोरा भी उन्होंने मेरे पास रख दिया था। मैं 5 मिनट तक वहां पे ऐसे ही बैठी थी। उसके बाद लोग आ रहे थे और कटोरे के अंदर पैसे डालकर जा रहे थे, लेकिन
ये देखकर मैं तो हैरान रह गई थी। यहाँ पे काफी सारी पब्लिक मौजूद थी। मेरे ससुर इतने ज्यादा चालाक थे कि उन्होंने कटोरे में पहले से ही एक मोटा कपड़ा बिछाया हुआ था, ताकि अगर कटोरे के अंदर सिक्का डालकर जाए तो उसकी खनक की आवाज मुझे सुनाई ना दे और मैं ये पहचान ना सकूं कि मेरे पास कोई बर्तन रखा हुआ है और उसमें कुछ डाला गया है। वहां आने जाने वाले लोग सिक्के डाल रहे थे, तो कुछ लोग नोट भी डाल रहे थे। इसी तरह से काफी सारे पैसे हो गए। मेरे ससुर ने मुझे उस जगह से उठाया और अपने सारे सामान को बांध लिया। आधा घंटा उस जगह पे बैठने के बाद मेरे ससुर मुझे दूसरी जगह पे ले गए। यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही हुआ था। मेरे ससुर ने मुझे बैठने के लिए कहा। इसी तरह से काफी सारे लोग इस कटोरे में पैसे डालते चले जा रहे थे। इसका मतलब ये था कि मेरे ससुर ने मुझे भिखारिन बना दिया था। मैं समझ चुकी थी कि मुझे अभी तक क्यों नहीं पता चल सका कि मुझे कहाँ ले जाया जाता है। इसी तरह से लगभग 2-3 घंटे बीत गए थे। मेरे ससुर के पास काफी सारे पैसे इकट्ठे हो गए थे। मेरे ससुर मुझे लेकर घर वापस आ गए। घर आ जाने के बाद मैंने सोच लिया था कि मैं ये सब कुछ और बर्दाश्त नहीं करूंगी। इसीलिए घर के अंदर दाखिल होते ही मैंने अपनी आंखों से पट्टी हटा दी। घर में मेरा पति भी मौजूद था। मेरे ससुर ने जैसे ही मेरी इस हरकत को देखा तो उनको गुस्सा आ गया। उन्होंने कहा कि तुम्हें इतनी जल्दी पट्टी हटाने की क्या जरूरत थी? तुम्हें पता है कि तुम्हारी आंखों से पट्टी सिर्फ मेरी इजाजत पे ही हटाई जाएगी। मैंने अपने ससुर से कहा, तो फिर आज आपने कितने पैसों की कमाई कर ली है? मेरे ससुर मेरी बात सुनकर हैरान रह गए थे। दोनों की बातचीत सुनकर मेरा पति भी आंगन में आ गया। उसने हम दोनों को देखा तो वो शॉक्ड हो गया। अपने पति से कहा, तो तुम मुझसे इतने दिनों से ये राज छुपा रहे हो कि तुम्हारे पापा तुम्हारी पत्नी से सड़कों पे भीख मंगवा रहे हैं। आज मुझे मेरे सारे सवालों के जवाब मिल गए कि मेरे साथ क्या होता है और मेरे कपड़ों को क्यों काटा जाता है और फाड़ा जाता है। मेरे ससुर कहने लगे, खामोश हो जाओ, अब इससे आगे एक लफ्ज भी मत बोलना। मैंने अपने ससुर से कहा, आज भी आप मुझे यही धमकी देंगे कि अगर मैंने आपकी बात नहीं मानी तो आप मुझे मेरे पति से तलाक दिलवाकर घर से बाहर निकलवा देंगे? मैंने कहा, आज मैं सारी सच्चाई जान कर ही रहूंगी और अगर आपने मुझे कुछ नहीं बताया तो मैं खुद इस घर को छोड़कर चली जाऊंगी। वैसे भी मैं भिखारन वाली जिंदगी नहीं जी सकती। मेरे माता पिता भले ही गरीब हैं, लेकिन कभी उन्होंने मुझसे ऐसा कोई काम नहीं करवाया जैसा कि फायदा आप लोग मेरा उठा रहे हो। मेरा पति मेरी बात सुनकर घबरा गया था और उसने कहा, प्लीज मुझे छोड़कर मत जाना प्रज्ञा, मैं तुम्हें सब कुछ बता देता हूँ। मैंने कहा, हाँ आज मुझे सब कुछ बता दो वरना अच्छा नहीं होगा, क्योंकि मैं ये सब कुछ और बर्दाश्त नहीं कर सकती। मेरे पति ने मुझे बताया कि मेरे पापा ने मेरे लिए पहले ही अपने एक दोस्त की बेटी से मेरा रिश्ता फिक्स कर दिया था, लेकिन मैं तुमसे प्यार करता था, मैं उससे शादी नहीं करना चाहता था। जब मेरे पापा को तुम्हारे बारे में पता चला तो उन्होंने मुझे साफ इनकार कर दिया कि वो तुम्हारी शादी कभी भी मुझसे नहीं होने देंगे, और उधर तुमने अपनी जान लेने की धमकी दी थी। मैंने अपने पापा को मनाने की बहुत कोशिश की थी लेकिन वो मान ही नहीं रहे थे, पर तुमने तब तक वो हरकत कर डाली। मैंने अपने पापा को तुम्हारी जान का वास्ता देकर उसको मजबूर कर दिया था, तब जाकर वो हमारी शादी के लिए माने थे, लेकिन एक शर्त पे। उन्होंने कहा कि मैं एक शर्त पे तुम्हारी शादी इस लड़की के साथ करूंगा। मेरे पापा को पता चल गया कि तुम गरीब परिवार से हो
और जब तुम हमारे घर आओगी तो तुम ना दहेज में तो ज्यादा कुछ लेकर आओगी और ना ही तुम्हारे माता पिता हमारी शादी धूमधाम से करवाएंगे। मेरे पापा के दोस्त तो बहुत अमीर थे। वो लोग दहेज में मुझे कार, एक बंगला और बिजनेस करने के लिए 50 लाख रुपए दे रहे थे। मेरे पापा इसीलिए चाहते थे कि मेरी शादी उसी लड़की के साथ हो जाए, क्योंकि मेरे कंधों पे अपनी दो दो बहनों की शादियों का बोझ भी है। मैं नौकरी करके इतना नहीं कमाता हूँ कि सारा खर्च पूरा कर सकूं। मेरे पापा ने मेरे सामने शर्त रखी थी कि शादी के बाद वो तुम्हारे साथ इस तरह से बिहेव करेंगे और इस तरह से तुमसे भीख मंगवाकर पैसे इकट्ठा करेंगे। तभी तो उन्होंने उस बोर्ड पे ये बात लिखी हुई थी कि मैं गूंगी हूँ, अंधी हूँ और आप लोग मेरी मदद करो। लोग वो बोर्ड को पढ़ने के बाद तुम्हें अंधी, गूंगी और गरीब लड़की समझकर पैसे देकर चले जाते। मेरे पापा तो अपने चेहरे को कपड़े से बांधकर छुपा लेते थे ताकि उन्हें कोई पहचान न सके, लेकिन तुम्हें अपना टारगेट बना देते थे। मेरे ससुर खड़े हुए खामोश थे, हमारी बातें सुन रहे थे। मैं अपने ससुर के पास गई और उनसे कहने लगी, मैंने आपको हमेशा अपने पिता की तरह समझा है। मुझे नहीं पता था कि एक पिता अपनी बेटी के साथ ऐसा कर सकता है। मैंने कहा, अगर आपको मैं पसंद नहीं थी तो आप मुझे बता देते। आपको मेरे साथ ये सब कुछ करने की क्या जरूरत थी? नरेश ने कहा, मैंने पापा से कई बार मना करने की कोशिश की थी, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुम्हें इस हालत में नहीं दे सकता। लेकिन पापा की शर्त यही थी कि वो तुम्हें इस घर में भी तभी टिकने देंगे कि जब तुम इस तरह का काम करोगी। इसी तरह से तो हमारे पास काफी लोग इकट्ठा हो जाते हैं। मैं तुमसे शादी करने के लिए इसीलिए मना कर रहा था क्योंकि मैं मामूली सी सैलरी लाता हूँ, शायद उनमें तुम्हारे सपने पूरे नहीं कर सकता। लेकिन तुम मेरी बात को ना तो समझने की कोशिश कर रही थी और ना ही मान रही थी। तुमने तो मुझे मजबूर कर दिया था खुद से शादी करने पे। इधर मेरे पापा ने भी मुझे मजबूर कर दिया था। तुम दोनों के बीच मजबूर होकर मैं रह गया था। मैं करता भी तो क्या करता, तरफ मैं तुम्हें भी नहीं छोड़ सकता था और दूसरी तरफ मैं अपने पिता को भी नहीं छोड़ सकता था और उनकी बात को भी मेरे लिए मानना बहुत जरूरी था। मैंने नरेश से कहा, नरेश, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, क्योंकि एक मर्द अपने पिता और पत्नी के हाथों से जब मजबूर हो जाता है तो उसे अपनी जिंदगी बुरी लगने लगती है। मैं तुम्हारी फीलिंग्स को समझ सकती हूँ। मैंने अपने ससुर से कहा, आप चाहते थे ना कि मैं इस घर को छोड़कर चली जाऊं और आपके घर वही अमीर लड़की आ जाए तो बहुत सारा दहेज लेकर आएगी, आपके बेटे के लिए पैसे लेकर आएगी, तो फिर ठीक है, आप अपने बेटे की शादी अपनी मर्जी के मुताबिक कर सकते हैं। मैं इस घर को छोड़कर जा रही हूँ, लेकिन याद रखना, जैसा आपने मेरे साथ किया है, ऐसा ही एक दिन आपकी बेटियों के साथ भी जरूर होगा, क्योंकि भगवान के घर में देर है, अंधेर नहीं। जो इस दुनिया में किया है, उसको उसके किए की सजा इसी दुनिया में मिलकर ही रहती है। मैं ये कहते हुए आगे बढ़ गई थी। मेरे ससुर को शायद एहसास हुआ कि उनके आगे भी दो दो बेटियां हैं और उनकी बेटी के साथ कोई भी ऐसा करेगा तो उनको कितनी तकलीफ होगी। मेरे ससुर ने जब देखा कि मैं सामान पैक करके अपने दरवाजे तक आ गई हूँ तो उन्होंने मुझे रोक लिया और कहने लगे, बहू, मुझे माफ कर दो, मुझे एहसास हो गया है कि किसी को इतना मजबूर नहीं करना चाहिए कि वो गलत कदम उठाने पे मजबूर हो जाए। तुमने आज जो मुझसे मेरी बेटियों को लेकर इतनी बड़ी बात कही है, इसके लिए शायद मैं ही तुम्हें मजबूर कर दिया था। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ अपनी गलती पे, तुम मुझे माफ कर दो।
मुझे सिर्फ इस घर के खर्चे की और अपनी बेटियों की शादी की परवाह है। मेरा बेटा इतना कम इनकम में ये सब कुछ कैसे करेगा? मैंने अपने ससुर से कहा, आप परेशान मत होइए, आपकी बेटियों की शादी धूमधाम से होगी। मैं पढ़ी लिखी हूँ, मैं नौकरी करूंगी। और तो और, नरेश भी नौकरी करते हैं। हम दोनों मेहनत से इस घर को चलाएंगे, आपकी दोनों बेटियों की शादी करेंगे और अपनी जिंदगी अच्छे से जिएंगे। मेरे ससुर मेरी बात सुनकर बहुत खुश हुए थे। मैं उनको कोई भी बात कहकर परेशान नहीं करना चाहती थी, इसीलिए फिर मैंने उनको तुरंत ही आसानी से माफ कर दिया, क्योंकि वो भी एक पिता थे, उन्हें अपनी बेटियों की फिक्र हो रही थी। मैंने अपने ससुर से जो कहा था वो करके दिखाया था। अब नरेश और मैं मिलकर ऑफिस में काम करते हैं। अपनी मेहनत की कमाई से मैंने अपनी दोनों नंदों की शादी कर दी है। मेरे ससुर मेरी इस मेहनत और लगन से बहुत खुश हुए, और अब तो वो मुझे अपनी बहू नहीं बल्कि बेटी मानते हैं। उन्होंने जो मेरे साथ किया था उसके लिए वो बहुत शर्मिंदा होते हैं। अब मेरी जिंदगी मेरे पति और मेरे ससुर के साथ बहुत अच्छी गुजर रही है। और तो और, भगवान ने मुझे एक बेटी भी दे दी है, जिसके साथ हमेशा मेरे ससुर खेलते रहते हैं और मुझे और मेरी बेटी को बहुत प्यार करते हैं। आज की कहानी आपको कैसी लगी? इस कहानी के बारे में कमेंट करके हमें जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में घंटी को दबाकर ऑल पे कर लें, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।